ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा। ले पकड़ो सही और निकल दो जेब से पकड़ो। पंजे पंजे पता ही 6,000 हो जाएगा उसमें। कितना है? 10,000। ऐसे नहीं करना मेरे जेब से ज्यादा है ये भी समझो। मैंने 3 महीने कभी जाते हैं 500 लेने जाते हैं। आपको कभी इसने ना बोला है? बोलता है कभी ना बोला है बोला सवाल ऐसा नहीं करना। अगर इस जगह सोनी होती तो ऐसे करता था डेंडा हमारी डेंडा की लड़की। नहीं नहीं सुनो मैं सुनो मैडम ये सच्ची में बोलता हूँ मेरे को खुद को तकलीफ लगी पड़ी है। ये आप माँ जैसे आपने बोला आपकी बेटी को प्रॉब्लम है तभी मैंने 1 मिनट में हाँ बोला और ऐसे भी मैं हमेशा के लिए बंदा हूँ। 1,000 रुपया नहीं 1,000 रुपया अरे भाई 15 करके दे दे। सुन अरे मेरी माँ मेरे को मत कर मैं परेशान हूँ। अभी मैं अभी 2,000 में दे रहा हूँ अभी भी वापस दूंगा थोड़ी देर। 15 करके मेरे को दे तो बाकी मैं 500 डाल के अर्जेंट पहुंच रही हूँ। मैंने अभी उल्हासनगरात महिला पत्रकार गीता हुलवंत यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल झालाय। आयडिया कंपनी भंगार चोरी प्रकरणी ब्लॅकमेल करून 13,000 रुपये उखळण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले आहे। पंकज त्रिलोकानी यांच्या तक्रारीवरून उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। गीता हुलवन या महाराष्ट्र शिवशक्ती एक्सप्रेस हिंदी साप्ताहिकाच्या पत्रकार आहेत। शहाड फाटक येथील आयडिया कंपनीत भंगार चोरी प्रकरणी पंकज त्रिलोकानी यांचा सहभाग असल्याचे गृहीत धरून वारंवार पैशाची मागणी करत होत्या। तसेच सोशल मीडियावर ऑडिओ क्लिप व्हायरल करून पंकज यांची बदनामीसुद्धा केली। कारी माखीजा यांनीसुद्धा ऑफिसमध्ये बोलावून गीता हुलवन यांना समजावून सांगितले परंतु गीता हुलवान या समजण्याच्या पलीकडे होत्या। पैसे पाहिजे अशी मागणी केली त्यावेळी 13,000 रुपये खंडणी दिली। तसेच काही दिवसात शाखा प्रमुख सुनील कलवा यांच्यामार्फतही पंकज त्रिलोकानी यांच्याकडून अजून पैसे पाहिजेत अशी मागणी केली। अखेर पंकज त्रिलोकानी यांच्या तक्रारीवरून उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। पहली बात तो सब पत्रकार भाई लोग मेरे भाई जैसे हैं और मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये जो आप बोल रहे हो पत्रकार गीता लोन के ऊपर वो पत्रकार नहीं है वो एक बोगस ब्लैकमेलर है जो वारंवार मुझे परेशान कर रही थी पिछले 15-20 दिनों से। व्हाट्सएप पे अपने निजी चैनल भी नहीं है उसने सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाला हुआ था। शहर में कौन सा भी क्राइम हो रहा है किसमें भी मेरा नाम जोड़ के अनाप शनाप बोलना वारंवार मेरे खिलाफ बोलना मुझे टारगेट करना बहुत मानसिक त्रास दिया था मुझे। उसके बाद मैंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद अपने दोस्तों से सलाह वगैरह लेके तो मेरे अब बहुत अच्छे मित्र है कारी माखीजा जी जो एक अच्छे समाज सेवक भी है शहर के अंदर उनसे सलाह की तो उन्होंने बोला यार पंकज तू एक्टिव पॉलिटिक्स में है तेरी छवि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मामले में तो मैं उसको बुलाता हूँ और विषय समाप्त करते क्या है क्या नहीं उसको हम लोग विषय समाप्त। मैं बोला ठीक है कारी से जैसा आपको समझ में आप बुलाइए। उन्होंने बुलाया पर उन्होंने एक अच्छी बात ये की थी कि जो भी बात हुई जो भी उसने कहा या क्या कारी भाई ने एक रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड किया जैसे कि क्योंकि वो बलते आरोप झूठे आरोप लगाती रहती है तो कारी भाई ने अपने सेफ्टी के लिए वो वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी और वो टाइम पे उन्होंने पैसे की मांगनी की जो मैंने बोला ठीक है मेरी बदनामी की मेरी छवि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देते हुए मैंने अपनी छवि को ज़्यादा महत्व दे के उसको मैंने पैसे दिए वो रिकॉर्ड हो गया भाई मतलब कारी भाई की समझदारी की वजह से तो मैंने ये विषय समाप्त कर दिया बोला ठीक है। उसके बाद जैसे ही पैसे दिए फिर उसने 1 घंटे के बाद वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सअप ग्रुपों में डाला जो कि एक मामला है मेरे चाचा है चंदन तलोगानी उनके ऊपर जो झूठा खन्नी का मामला दर्ज हुआ 1 नंबर पुलिस स्टेशन में उसके उसको मैटर को पकड़ के फिर उसमें मेरा नाम जोड़ना कि ये खन्नी खोर है ये चोर लोग है वारंवार बहुत कुछ बोलना तो ये सब देखने के बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि भाई मैं पुलिस के शरण में जाऊंगा और मुझे उनकी मदद लगेगी पुलिस की। फिर मैं पुलिस स्टेशन में गया उनको मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड दिखाया जो कारी भाई ने रिकॉर्ड किया था उनसे मैंने विनती करके मंगाया वो दिखाया मैंने अपने सीनियर VS दिलीप फूलपाखारे साहब को। मैंने बोला ये देखिए मुझे बहुत त्रास हो रहा है और ये भी अति हो गई है खन्नी वारंवार मांगना
तो उन्होंने भी बहुत सूझबूझ मामले को गंभीरता समझते हुए तुरंत उन्होंने भी FIR 384/385 बोगस पत्रकार ब्लैकमेलर गीता उलवान के ऊपर दाखिल किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मामले की गंभीरता को देखे तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने उनके ऊपर FIR हुई है। तो और मैं भी ये शहरवासियों से यही कहना चाहूँगा कि इसके ब्लैकमेलिंग से डरे नहीं, ये बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है, ये आपको पर्सनल टच करेगी, आपके खिलाफ अनाप शनाप बोलेगी, आपके फैमिली के खिलाफ बोलेगी, आप बिल्कुल मत डरिए इनसे, इसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ये बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है। और मैं चाहूँगा, मैं धन्यवाद करूँगा अपने अच्छे मित्र सच्चे समाज से कारी माखीजा जी ने, जिनकी सूझबूझ से आज मुझे भी कहीं ना कहीं पुलिस ने मुझे भी इंसाफ दिलाने की कोशिश की। अभी मैं पुलिस प्रशासन से यही विनती करूँगा कि उसको गीता उलवान बोगस पत्रकार ब्लैकमेलर को वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाले और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, उसमें मेरी मदद करें। और फिर से मैं एक बार धन्यवाद करूंगा अपने सीनियर भैया दिलीप फूलपाखारे साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छे से गंभीरता समझी इस मामले में और मुझे न्याय दिलाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच दिलीप फूलपाखारे जी। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।